जी अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये आज हमारे फार्म के जो है ना छत का सामान आ गया है। ये गार्डर है इसका, अभी ये इंशाल्लाह आज छत पड़ेगी। ये हमारा मटेरियल का कमरा जो है ना बकरों का, ये तैयार हो रहा है। ये अभी आपको इसका मुकम्मल दिखाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, हरून गोट फार्म को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो कमरे का साइज़ है, ये देखिए ऊपर गार्डर चढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत का काम है और टेक्निकल तरीके से ये जो है ना ऊपर लेकर जाते हैं। दो बंदे ऊपर हैं, दो बंदे देखे नीचे हैं। ये ऊपर उन्होंने एक कुंडा बनाया हुआ है, रस्से के साथ बांधा हुआ है और उसके ऊपर से देखें बंदा आराम से खींच लेता है। ये सिर्फ टेक्निकल तरीके से ही काम हो सकता है, वरना यहाँ तो इतने वजनी ये गार्डर हैं कि 10 बंदे भी हों तो चढ़ाना मुश्किल है। ये सिर्फ टेक्निकल और दिमाग का काम है। ये तैयार गार्डर, तैयार छतें जो मिलती हैं, ये हम लोग लेकर आए हैं। ये फार्म है हमारा, दो कनाल पर है। पहले भी आपको इसकी एक वीडियो दिखा चुके हैं। ये इसकी स्लैब है जो छत पर डलेंगी। ये इसकी बाउंड्री वाल हमने की है, ये भी कंक्रीट की तैयार स्लैब की बाउंड्री वाल है। ये इसका, ये जो सामने पिलर नज़र आ रहे हैं, इसका भी सामान आया हुआ है। इसके भी गार्डर और स्लेप आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में जब इधर डालेंगे तो इसका भी आपको विज़िट करवाएंगे। ये गुजरात लाला मूसा में फार्म बना रहे हैं और दुआ भी किया करें, ये नया काम हम शुरू करने लगे हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत करे। और मैं आपको इसमें जो है ना इसकी छत का भी रेट बताऊंगा कि क्या रेट पे ये छत पड़ती है। ये बकरों का फार्म है, ये 20x60 इसकी लंबाई है। ये तकरीबन एवरेज जो है ना इसका, मैंने स्क्वायर फुट, अगर आप स्क्वायर फुट पे जाएं तो तकरीबन ये पड़ती है 275 रुपये रेट पड़ा है इसका स्क्वायर फुट में। ये चैन कुप्पी लगाई हुई है इसके ऊपर, ये देखें गार्डर चढ़ा रहे हैं। ये बड़े गार्डर हैं, वज़न इनका बहुत ज़्यादा होता है। ये इन्होंने चैन कुप्पी लगाई है, फिर इसके बाद इसके ऊपर लेके जा रहे हैं। कमरे की छत इन्होंने डाल दी है। अभी जो है ना ये फार्म बकरे के, जहाँ बकरों की रिहाइश होगी, ये वो वाली जगह है। कोई भाई अगर फार्म बनवाना चाहे तो हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम है। ये तो मैं अपना काम, घर का काम कर रहा हूँ अपने लिए। अगर कोई बनवाना चाहे तो वो भी हमसे रابطہ ज़रूर करे। ये ट्रैक्टर आ गया, इसके अंदर भी स्लैब वगैरह हैं। ये 2x2 के हमने इसके नीचे पिलर बनाए हैं, नीचे ईंटों के पिलर हैं, इसके ऊपर ब्लॉक के पिलर हैं और इसके अंदर भी होल है। इसके अंदर भी हमने सरिया लगा के कंक्रीट का बजरी सीमेंट रेत मिला के जो है ना इसको भराई की है। इंशाल्लाह जब बकरे भी लेकर आएंगे तो आप भाइयों को ज़रूर इसका भी मुकम्मल विज़िट करवाया करेंगे, इन उनकी खुराक के बारे में मुकम्मल आपको दिखाएंगे जब इंशाल्लाह हमारे बकरे भी आ जाएंगे। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये पीछे इन्होंने दो टायर वाली छोटी सी ट्राली है, इसमें जो ट्रैक्टर के ऊपर लेके आते हैं। ये गार्डर डल गए हैं, इसके बाद अभी ये स्लेब ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये देखें स्लेब भी कितने इजी तरीके से लेके जा रहा, उठा नहीं रहा वो। ये देखें कैसे स्लेब रख रहे हैं। एक ही बंदा है जो स्लेब को लेके जा रहा है और लेके आ रहा है। ये इधर स्लेबें डल चुकी हैं, ये देखिए, ये इसकी छत तकरीबन आधी हो चुकी है। ये तकरीबन 1.5x4 की जो है ना इसकी स्लैब है, जो स्लैब का वो है तकरीबन 1.5x4 है। और गार्डर जो है इसके 20 फुट के पूरे गार्डर हैं।
थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।